इटली के महान एस्ट्रोनॉमर गैलीलियो कहते थे कि मैथमेटिक्स वो अल्फाबेट है जिससे भगवान ने इस यूनिवर्स को लिखा है। उनकी स्टेटमेंट से हम हमारे यूनिवर्स में मैथमेटिक्स की इम्पोर्टेंस को अच्छे से समझते हैं। अब जरा इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक ऐसा परफेक्ट नंबर है जो हमारे आर्ट, म्यूजिक और सारी साइंटिफिक नॉलेज को एक साथ जुड़े हुए है। एक ऐसा नंबर जो हमारे नेचर को चलाता है और जिसके इशारे पर यूनिवर्स के छोटे से छोटा प्लेनेट और बड़ी से बड़ी गैलेक्सी काम करती है, और ये नंबर है 1.618034। लेकिन आखिर इस नंबर में ऐसा क्या है जिससे कि इसको इतना इम्पोर्टेंस दिया जाता है? आज के वीडियो में हम यही बताने वाले हैं। दोस्तों, इस नंबर की इम्पोर्टेंस को जानने से पहले हमें फिबोनाची सीक्वेंस के बारे में जान लेना चाहिए। साल 1202 में इटली के महान मैथमेटिशियन लियोनार्डो डी पिसानो, जिन्हें हम फिबोनाची के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने सबसे पहले फिबोनाची सीक्वेंसेस के कॉन्सेप्ट को दुनिया के सामने रखा था। हालांकि आपको बता दूं कि फिबोनाची सीक्वेंसेस का जिक्र हमें 450 BC के इंडियन साइंटिस्ट पिंगला की राइटिंग में भी मिलती है। 100 BC में भारत मुनि, 700 AD में वीराथंक और 1100 AD में हेमाचंद्र ने भी अपनी बुक्स में फिबोनाची सीक्वेंसेस का जिक्र किया है। फिबोनाची नंबर की शुरुआत होती है 0 और 1 से। इसके बाद हम हर बार दो कंसेक्यूटिव नंबर्स को ऐड करके इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 0+1 करने पर हमें 1 मिलता है जो थर्ड फिबोनाची नंबर है, और 1+2 करने पर 3 मिलता है जो फोर्थ फिबोनाची नंबर है, और इस तरह ये सीरीज इन्फिनिटी तक आगे बढ़ती रहती है। कहते हैं कि फिबोनाची सीक्वेंसेस का यूज कंप्यूटर एल्गोरिदम से लेकर लॉटरी टिकट पहचानने तक हर चीज में किया जाता है। लेकिन मैथमेटिक्स की बेसिक नॉलेज रखने वाले हम इंसानों ने इसका इस्तेमाल गोल्डन रेशियो को समझने में ही दिखाया है। अब ये गोल्डन रेशियो क्या है? तो गोल्डन रेशियो में इससे हम किन्हीं दो फिगर्स के बीच रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने के लिए करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास दो नंबर है, ए और बी। यहाँ पर ये लार्ज नंबर है और बी स्मॉलर नंबर। तो अगर a/b = a+b/a के बराबर होता है तो हम कहेंगे कि ये नंबर गोल्डन रेशियो में है। हम इसे ग्रीक लेटर फाई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू लगभग 1.618034 होती है। अगर कोई भी रेशियो इसके लगभग होता है तो हम उसे गोल्डन रेशियो कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ 12.94 है और ब्रेथ 8 है। अब अगर हम 12.94 को 8 से डिवाइड करें तो इसका उत्तर अप्रोक्सीमेटली 1.618 आएगा। मतलब ये गोल्डन रेशियो में है। मैथमेटिक्स में गोल्डन रेशियो का इस्तेमाल अलग अलग प्रकार के शेप्स को समझने में किया जाता है। लेकिन आखिर फिबोनाची सीक्वेंसेस और गोल्डन रेशियो में कॉमन क्या है, आइए जानते हैं। जरा अपनी स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पर मैंने फिबोनाची के सीक्वेंसेस को लिखा है। अगर हम दो कंसेक्यूटिव फिबोनाची नंबर्स का रेशियो निकाले तो यहाँ हमें एक इंटरेस्टिंग पैटर्न देखने को मिलता है। फर्स्ट और सेकंड फिबोनाची नंबर के बाद हर दो कंसेक्यूटिव फिबोनाची नंबर के रेशियो निकालने पर जो वैल्यू आती है वो गोल्डन रेशियो के करीब आ जाती है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम 5 और 3 का रेशियो निकालते हैं तो ये 1.66667 आता है, जबकि 8 और 5 का रेशियो 1.6 और उसके पीछे 4 जीरोज आते हैं। अब अगर हम 10th और 11th फिबोनाची नंबर की बात करते हैं तो ये 89 और 144 है, और इनका रेशियो 1.618 और उसके बाद 4, 5 और 1, 6 आता है, और इसके बाद हर स्टेप के साथ ये रेशियो गोल्डन रेशियो के करीब आ जाता है। तो क्या फिबोनाची सीक्वेंसेस और गोल्डन रेशियो के बीच कोई कनेक्शन है? वेल, देखने से तो ऐसा जरूर लगता है, लेकिन दुनिया भर के साइंटिस्ट फिलहाल तक तो कुछ ऐसा ढूंढ नहीं पाए हैं। दोस्तों, गोल्डन रेशियो के कंसेप्ट ने हमेशा से ही इस दुनिया के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग को इन्फ्लुएंस किया है, और इसका एग्जाम्पल हमें हर जगह देखने को मिलता है। इजिप्ट के पिरामिड से लेकर 126 AD के रोम में बने पैंथियन टेम्पल और यहाँ तक कि ताजमहल के कंस्ट्रक्शन में भी हमें गोल्डन रेशियो के इस्तेमाल का सबूत मिलता है। लियोनार्डो दी विंची से लेकर पाब्लो पिकासो के आर्टवर्क तक हमें इसका सबूत मिलता है। तो हमारे एंशियंट इंडियन से लेकर वेस्टर्न म्यूजिक में भी गोल्डन रेशियो का इन्फ्लुएंस है। बाइबल में कहा गया है कि नोआज आर्क और आर्क ऑफ द कन्वीनेंट को भगवान के द्वारा एक आदेश के माध्यम से बताए गए गोल्डन रेशियो के अकॉर्डिंग बनाया गया था। इंसानी इतिहास के आर्ट और आर्किटेक्ट में हमें गोल्डन रेशियो के हजारों इस्तेमाल दिखाई देता है। लेकिन क्या ये सभी जानबूझकर बनाया गया था? कहने का मतलब ये है कि क्या इनको बनाने वाले को गोल्डन रेशियो की नॉलेज थी, या फिर सिर्फ एक कोइंसिडेंस था? स्टडीज में सामने आया है कि अगर किसी चीज का रेशियो 1.618034 होता है तो हम इंसान उसकी तरफ सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, और इसलिए हर चीज को इसी रेशियो में देखना चाहते हैं।
अगर किसी इंसान का फेस और फिगर 1.618034 के रेशियो में आता है तो वो दूसरे लोगों को सबसे ज्यादा आकर्षित करता है। यहाँ तक कि हमारे डीएनए के हेलिक्स स्पाइरल और एक सिंगल मॉलिक्यूल में भी गोल्डन रेशियो देखा जा सकता है। लेकिन क्या गोल्डन रेशियो के प्रति प्यार सिर्फ इंसान और उसकी क्रिएशन में ही देखने को मिलता है? इसका जवाब है नहीं। रोज की पेटल से लेकर फ्लावर्स के अंदर के सीड हेड्स और ट्रीज की ब्रांचेस से लेकर उनके रूट सिस्टम तक हमें गोल्डन रेशियो देखने को मिलता है। अगर हम स्नेल्स के शेल या फिर बटरफ्लाई की बॉडी को देखें तो ये भी गोल्डन रेशियो को दिखाती है। 20 की कॉलोनीज में मेल और फीमेल का रेशियो 1 से लेकर 1.618 के बीच ही होती है। और अगर आप अभी तक गोल्डन रेशियो को हल्के में ले रहे हैं तो इसका एग्जांपल हमें गैलेक्सीज के शेप से लेकर एक एटम के स्ट्रक्चर और यहाँ तक क्वांटम लेवल में भी हमें यह गोल्डन रेशियो देखने को मिलता है। तो क्या भगवान ने इस यूनिवर्स को गोल्डन रेशियो के बेसिस पर ही डिजाइन किया है? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना।